जहां अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में अब तमाम पार्टियों की नजरें अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनावों पर टिकी है। बीजेपी पहले ही अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस पर कांग्रेस की तरफ से विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन एक नाम है जो लगभग तय माना जा रहा है। नाम है नवीन मरकाम, जो युवा है, हररई के छिदनी क्षेत्र के निवासी हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं और 20 जून को वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि नाम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमरवाड़ा सीट पर मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिसने देवरावेन भलावी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की तैयारी की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर पार्टी ने 35 बीजेपी नेताओं की सूची जारी की है। स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शिवराज सिंधिया समेत एमपी के केंद्रीय मंत्री और कई दिग्गज नेता भी शामिल है। जहां नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून है, इसी बीच आज कमलेश शाह अमरवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और ये नामांकन रैली सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में होगी। बता दें कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 21 जून तक होगी और 10 जुलाई को मतदान होगा, तो वहीं मतगणना की तारीख 13 जुलाई है।